हेलो फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपनी हाथ की रेखाओं के जरिए किस तरह से आप यह पता कर सकते हैं कि आप आने वाले समय में एक बेहतर नौकरी पाएंगे या फिर नहीं पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, आज के समय में हर व्यक्ति चाहता है कि उनके पास एक अच्छी नौकरी हो, जिससे कि उनकी आने वाली जो लाइफ है वह बहुत ही बेहतर हो। तो ऐसे में यह ज़रूरी होता है जानना आपके लिए कि क्या आप आने वाले समय में एक बेहतर लाइफ के लिए तैयार हैं या नहीं, या फिर आपको आगे चलकर सक्सेस मिलने वाली है या फिर नहीं। तो दोस्तों, हस्तरेखा विज्ञान आपकी इसमें बहुत ही मदद कर सकता है। आप हस्तरेखा विज्ञान के जरिए यह जान सकते हैं कि आप आने वाले समय में अच्छी नौकरी करेंगी या फिर नहीं करेंगी। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि लड़कियाँ जो होती हैं, आप अपना हमेशा बायां हाथ देखें और अपने बायां हाथ के अनुसार कुछ बातें मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिनकी मदद से आप ये जान पाएंगी कि आपको आने वाले समय में कोई भी सरकारी नौकरी मिलने वाली है या फिर नहीं मिलने वाली है। तो फ्रेंड, सबसे पहली बात जो होती है वह यह है कि यदि किसी व्यक्ति की हथेली में भाग्य रेखा, जैसे कि आप इस फोटो में देख पा रहे होंगे, भाग्य रेखा से निकलकर कोई शाखा सूर्य पर्वत की ओर जाती है, तो यह शुभ संकेत होते हैं। ऐसे व्यक्ति की सरकारी क्षेत्र में काफ़ी अच्छा लाभ मिलता है और नौकरी लगने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। वहीं दोस्तों, यदि हम बात करें दूसरी बात की, तो जिस व्यक्ति की हथेली में भाग्य रेखा से कोई शाखा निकलकर गुरु पर्वत की ओर जाती है, तो वह व्यक्ति भाग्यशाली होता है और नौकरी में अच्छा और ऊंचा पद प्राप्त करता है। इसके साथ ही जिन लोगों में गुरु पर्वत उठा हुआ होता है, जिन लोगों के हाथ में और उस पर बहुत सी सीधी रेखाएं होती हैं, तो ऐसे लोगों को भी सरकारी नौकरी मिलने की संभावनाएं औरों से काफ़ी ज़्यादा होती हैं। यदि किसी व्यक्ति की हथेली में गुरु पर्वत से चलकर कोई रेखा आ रही हो, तो भी आपको अच्छी नौकरी मिलने के संकेत होते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, आखिरी बात यह है कि जिन लोगों की हथेली में सूर्य पर्वत उभरा हुआ होता है और इस पर्वत पर एक सीधी रेखा बिना किसी रुकावट के हो, तो भी ऐसे लोगों की सरकारी नौकरी मिलने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ बहुत ही सामान्य सी बातें जो आपकी मदद कर सकती हैं, आप अपने आने वाले समय के बारे में काफ़ी कुछ अंदेशा लगा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुँच सके।